नमस्कार दैनिक चिंताएं में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी हम जम्मू के एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर है। चौधरी लाल सिंह डोगरी डुगर नेता, कल जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और देखा कांग्रेस ऑफिस में खुशी की लहर थी और चौधरी लाल सिंह जी के समर्थकों के चेहरों पर खुशी का एक अलग सा नजारा दिख रहा था। इस समय जम्मू के एयरपोर्ट में है जहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ चौधरी लाल सिंह जी के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। वो नेता है जिन्होंने साफ तौर पर कहा था, ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा। उसी का चौधरी लाल सिंह जी ने कहा था, मैं डोगरों की आवाज को हमेशा बुलंद करूंगा। और जो उनकी पार्टी थी डोगरा स्वाभिमान पार्टी, यानी कि कहीं ना कहीं डोगरा स्वाभिमान पार्टी पहले संगठन था, उसके बाद पार्टी हुई। उन्होंने कहा जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे संगठन के, मेरे अपनी फैमिली मेंबर, जो संगठन मेरा परिवार है, वो जो चाहेगा मैं वही जाऊंगा। पर सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगी, ये दृश्य दिखाएगा कि ये चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक है जो आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ ये कहेंगे कि कड़ी टक्कर होने वाली है कि अगर उदयपुर कठुआ की बात करें, एक तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह जी। और आप देखिए इनके समर्थकों का किस तरह से जमावड़ा है। यही एक सवाल था कि क्या लगता है संगठन जो है कांग्रेस में मर्ज हो जाएगा? कहीं ना कहीं वो तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही समय। सर हमारे साथ, सर कैसा लग रहा है चौधरी लाल सिंह जी ने, आप भी समर्थन करते हैं अगर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा? देखिए मैडम, आप बहुत काबिल पत्रकार हैं और आपकी मैं अक्सर जो आपका न्यूज है वो देखता हूँ। आप हमेशा दबे कुचले और गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं और आपको इस बात का एहसास, आप बोल रहे थे टक्कर टक्कर, टक्कर वाला मसला खत्म हो गया है, अब उनकी नींदें उड़ गई हैं। आज खास करके मैं आपके चैनल को ये जो बातें बता रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखना। ये लाइव चल रहा है? ये लाइव चला है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा मैडम कि इसको संभाल के रखना। चौधरी लाल सिंह हैट्रिक मारने जा रहा है और उसको अब कोई नहीं हराने वाला, क्यों? जनता जनार्दन होती है, जनता ने फैसला कर लिया है कि गरीबों का लीडर, बेबसों का लीडर, मजदूरों का लीडर, मैं कहता हूँ जन जन का लीडर चौधरी लाल सिंह उधमपुर कठुआ डोडा और रामबन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट बनकर आएगा। मैडम वो ह्यूज वोटों के साथ असम पार्लियामेंट के नेता कहते थे, जिसमें रविंदर राणा जी भी कहते थे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? लगता है अब चक्कर में पड़ने की बारी आ गई है। मैडम उनको जो गुरूर है ना ईवीएम मशीन का जो गुरूर है ना, वो फरार ना करे तो मैं दावे से कहता हूँ आप मेरे से इन ब्लड के साथ लिखवा कर ले लो। पूरे हिंदुस्तान में अगर 10 सीटें भी ये ले जाए तो हमारा नाम सैयद शकील शाह का बदल के रख देना। सुनो देन व्हाट, हम लड़ेंगे, कांग्रेसी क्रांतिकारी हैं। एक बात याद रखना, तिरंगे के छांव के नीचे चलने वाले कांग्रेसी हैं और आपको पता है तिरंगे के बीच में हाथ का निशान है। और जितने भी कांग्रेसी हैं ये सब देशवासी क्रांतिकारी हैं और इस बार हम चौधरी लाल सिंह को जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। वहां पे जाकर डोगरों की आवाज बनकर, गरीबों की आवाज बनकर, बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों बच्चियों की आवाज बनकर चौधरी लाल सिंह जाएगा। अब टक्कर वक्कर की बात मैडम भूल जाओ, इसके साथ कितना जुल्म किया इन्होंने वो जनता जानती है। चौधरी लाल सिंह के साथ कितना जुल्म किया इन्होंने, चौधरी लाल सिंह मर्द का बच्चा है, क्रांतिकारी है, उसने जेलों में जाना पसंद किया, उसने थानों में जाना पसंद किया, लेकिन गरीब जनता की आवाज को उठाने के पीछे नहीं रहा। एक वॉशिंग मशीन थी भाजपा की, कहीं ना कहीं वो चाहते थे चौधरी लाल सिंह जी भी उसमें डुबकी लगा दें। पर चौधरी लाल सिंह जी ने प्रताड़ना भी सही, बड़ा गुस्सा, पर उस मशीन में जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मैडम एक बात, यही तो करैक्टर है चौधरी लाल सिंह का। आज ये जनता जो आप देख रहे हो ना, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये बिका नहीं, ये झुका नहीं। और आज के आपके चैनल से मैं अपने प्रेसिडेंट जनाब वकार रसूल वानी साहब का मुबारकबाद देता हूं कि उनके कार्यकाल में चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है। मैं उनका, अपने वकार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मैडम सोनिया का, प्रियंका जी का और राहुल जी का और खड़के साहब का और कांग्रेस की
जम्मू कश्मीर की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए खुशी का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें चौधरी लाल सिंह जी के वो वोटर जी, वो समर्थक है जिन्होंने उन्हें चौधरी लाल सिंह जी जिन्हें अपना परिवार समझा था, और इस समय आप देख रहे हैं कि आप जो डायलॉग करते थे कि क्यों पड़े हो, क्यों यानी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, लगता है आज चौधरी लाल सिंह जी के समर्थकों को देख में चक्कर जरूर आ रहे होंगे। इस समय के लाइव विश हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से जम्मू के एयरपोर्ट के सीधी तस्वीरें, चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक सपोर्टर यहां पहुंचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं के कुकर नेता की एक झलक पाने को लोग यहां पर आंखें बिछाए, नजरें बिछाए यहां पर बैठे हुए हैं। और इस समय की लाइव तस्वीरें जम्मू के एयरपोर्ट से हम आपको बता रहे हैं। कांता अंडोत्रा जी भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर थोड़ी सी चलिए हम चौधरी लाल सिंह जी की धर्मपत्नी जो है कांता डोगरा जी से बात करेंगे, और कितनी खुशी का माहौल इस समय आपको सामने दे कुछ ही पलों में यहाँ डुगर प्रदेश के शहीद नेता एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, उसके पहले ही आप देख रहे हैं जश्न का माहौल साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कांता मैम के चेहरों पर भी खुशी, और इनके समर्थक देखिए किस बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छी देखे कांता मैम कितनी खुशी है आज कांता मैम वही भीड़ वही नजारा देखने को मिल रहा है, वापस आ गए 10 साल के बाद वापस आ गए तो ये वक्त होता है ना, ये ऐसे घूम के वापस आता है जो टाइगर इज बैक। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है चौधरी लाल, आज कम से कम नेगेटिव लोगों का नाम मत लो, मैं भगवान को साक्षी मानकर भगवान को प्रणाम करती हूँ और अपनी जनता को प्रणाम करती हूँ, और आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना दिल थोड़ा बड़ा करिए और लोगों की हक की लड़ाई लोगों को दिखाइए, जो हम लड़ रहे हैं लोगों के लिए लड़ रहे हैं। चौधरी साहब ने दिल्ली में कहा हम घबराने वाले में से नहीं है, समय लिया सोचा फिर पार्टी तय की कहाँ जाना है, क्या वो पिक्चर आई थी ना पुष्पा, ना हरे झुकेगा ना रुकेगा, वही लग रहा डायलॉग वही है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो कहा उन्होंने सही कहा। जम्मू जू में शेर आ गया, पहले नहीं था शेर, नहीं था थोड़ी देर के लिए ऐसे सुस्त हो जाता है खा पी के थोड़ा सा, जब कोई मतलब चीजें चलती हैं वक्त के हिसाब से, कई बार आदमी को सोचना पड़ता है, 100 चीजें होती हैं, एकदम डिसीजन लेना। आप मानते हैं मैम कि चौधरी साहब का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं जीत की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं डुगर प्रदेश के लोग एकत्रित हो हैं अपने नेता की एक झलक पाने के लिए? मैं आप सबको मीडिया वालों को कह रही हूँ, खास करके हमें जो आप हो ना, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपको ध्यान, आप छोटे मोटे लोग नहीं हो, बहुत बड़ी तोफ हो आप, बहुत बड़ी तोफ हो जो सच्चाई लोगों के सामने लाना, बस और कुछ नहीं करना। आपको लगता है कि मीडिया पर भी दबाव होता है? होता है, आई नो हमारे पर तो होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, किसी भी नेता ने आज मीडिया के लिए नहीं सोचा, हम तो नहीं, हम सोचते हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपने उस टाइम हमें इतनी अच्छी कवरेज, लोगों तक मेरे आंसू जो निकले थे ना पूरी दुनिया को दिखाए आपने, और मैं आज जनता से अपील करूंगी कि मेरे आंसुओं का हिसाब आप लोगों ने लेना है। एक और के बाद घर वापसी कर रहे हैं मोतीलाल सिंह, इतना पॉजिटिव बिहेवियर कल ऊपर देखने को मिला, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर देखने को मिला, तो उधर क्योंकि 10 साल बाद घर वापसी किया उन्होंने, होता ही है। चलिए कह रहे हैं टाइगर इज बैक, इस समय कांता अंडोत्रा जी हैं और चौधरी लाल सिंह जो शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, और हमारा टाइगर है वो, जम्मू का शेर है वो, और जम्मू की डोगरों की आवाज है। आज हमें पता चलता है कि जम्मू के डोगरों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो हमारा शेर जम्मू के डोगरों के साथ है। जय डुगर जय डोगरा, टाइगर इज बैक, फिर से कहेंगे चौधरी लाल सिंह जी के लिए, फिर से कहा उन्होंने एक डायलॉग था बड़ी फेमस पिक्चर का, पुष्पा झुकेगा नहीं रुकेगा नहीं और ना ही डरेगा, लग रहा है तो टाइगर इज बैक। नमस्ते सर जी, नमस्ते। चलिए इस समय मैडम सुमन जी भी हमारे साथ है और साथ ही दलेर भाई भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे भाई आज कितनी खुशी है? देखिए आज पूरा जम्मू का डोगरा बड़े खुश है,
क्योंकि आज डोगरा शेर दिल्ली से आ रहे हैं और जम्मू की स्थिति और परिस्थिति बदले जा रही है। जो जम्मू की स्थिति थी वो खराब थी और परिस्थिति भी खराब थी, आज जम्मू की स्थिति और परिस्थिति जो है वो बदलने जा रही है, क्योंकि ट्रू शेर डोगराज, जो शेर डोगराज का है, ये जम्मू का जो जम्मू के जो जम्मू की वारिस है वो असल में डोगराज हैं। तो आज डोगरा शेर आ रहे हैं और डोगरा शेर ही यहाँ वेलकम कर रहे हैं। चलिए कुछ ही पलों में चौधरी लाल सिंह जम्मू के एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और देखिए किस तरह से जो पहले दिन से इनके साथ इनके समर्थक चल रहे थे, इनके शुभचिंतक चल रहे थे, बड़े मुश्किल रोके पाए। सुमन मैम क्या कहेंगे पहले दिन से आप चौधरी लाल सिंह के साथ, जो उनकी फौज है यही कहेंगे तो साथ है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी का दिन है आज? बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारा डोगरा जो है चौधरी लाल सिंह जम्मू की आवाज, उन्होंने सही डिसीजन लिया है और कांग्रेस ने सही बंदा चुना है, इसलिए हम कामयाब होना चाहते हैं, हम जम्मू को कामयाब करना चाहते हैं। अगर चौधरी साहब की कामयाबी को हम देखना चाहते हैं, इसलिए हमारा डोगरा स्वाभिमान संगठन सब उनके साथ है और जहां चौधरी साहब हैं वहां हम लोग हैं, चौधरी साहब जिंदाबाद है। उनका की जो डायलॉग कर दे, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, उनके ऐसे क्या आगे आ गया जी, आ गया शेर साडा आ गया, वो कहते रहे कौन आया चौधरी लाल जी का आया, चौधरी लाल जी का आया और राम जी, चौधरी लाल जिंह का आया और राम जी, लाल ही लाल है, लाल ही लाल हो गया दुश्मन के खेमे च भी खलबली मच गई है, इसलिए ये हालत है। उते बीजेपी दे विच अद्धे बंदे खुशियां मना रहे ने राहुल चौधरी लाल सिंह दे आंदे ते अद्धे जड़े ने रो रहे ने आदे की हो गया ये केड़ा काम खराब हो गया, ये देख लो लाल सिंह जी लाल हो गया। मैं कहना हूं तो साढ़े जड़ राहुल गांधी नूं प्रधानमंत्री बनाते कोई नहीं रोक सकता, मैं कल्यार ही कह देना जनता दे दुख दर्द दूर करने लई, अगे एक भला साहब सी वाणी साहब सी असी है कसी हूं तो लाल ही लाल हो गया, हूँ कितने जान गए बीजेपी वाले, ये स्मार्ट मीटर पुट के सुट देने ने, जो मर्जी है स्मार्ट मीटर सुट देने ने, गरीबा की पेंशन असी लैनी है जो मर्जी कर ले, अगे भी असी के लिया पक्कियां नौकरियां करनिया ही करनिया ने, जो करना टक्कर बड़ी कांटे दी है सर, जिन्नी मर्जी कांटे की है, अजकल तो दवाई आई जी पा देंगे अभी कांटे उठा देंगे, केवल लाल ही लाल हो जाना तो भला भला हो जाना। इस समय के दृश्य आपको बता रहे जम्मू के एयरपोर्ट के साफ तौर पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही पल अब देर दूर है कि जब चौधरी लाल सिंह ये गेट खुलेगा और उनकी गाड़ी यहाँ पर आएगी, पर ये देखने वाली बात है जहाँ पर भी चौधरी लाल सिंह हो उनके समर्थक अलग सा उनका एक नजारा देखने को मिलता है, चौधरी लाल सिंह जी रुककर अपने चहितों से अपने समर्थकों से बात जरूर करते हैं। आगे आगे यार करना पड़ी बैठे इन्होंने छोड़ना है सब।
जनता जो भी समय में देख रही है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या आप चौधरी लाल सिंह जी के इस फैसले के साथ यानी समर्थन करते हैं? इनका फैसला सही था कि कांग्रेस को ज्वाइन कर जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि साफ तौर पर कहा था हमने, कल ही बता दिया था कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है में भी वो भी मर्ज हो जाए कांग्रेस में, पर वही देखने को मिल रहे हैं साफ तौर पर आसार जो है कहीं ना कहीं पूरा संगठन जो है चौधरी लाल सिंह जी का, जिसके वो फाउंडर मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी, पहले संगठन था उसके बाद पार्टी बनाई गई और उसी के चलते साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं डोगरों की आवाज को बुलंद करता हूं और करता रहूंगा, ना ही झुकूंगा ना ही रुकूंगा और ना ही डरूंगा, चाहे वो ईडी हो चाहे कोई भी एजेंसी उनके पीछे लगा दीजिए। उसी के चलते लगातार आपने देखा था सर जी, बबी जी, बबी सर कितनी खुशी की गल है, बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट लग रही है, मेरे ही घट है, मेरा तो रात ही मैं कल भी देखी जिन्नी खुशी तुहानू सी उन्नी नहीं है, परसों देखी और जिन्नी खुशी तुहानू है ना सर जी, शायद सानू नहीं होया, सारे ने आखना कि मैं तुहाडे कने जुड़ी दी मैं कांग्रेस, इन्होंने यही कहना, नहीं 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 ऐसी कोई गल नहीं है, मीडिया की भी इन्ना पता है सच के ते झूठ के, और जेड़ा तुहानू सच झूठ दा पता ना, खुशी कहने के आंदी सच कने झूठ कने ते आंदी, अस जनता दे कने आ, अस जनता दे मुद्दे दिखने आ, अस जनता दी हालत, जनता दी हालत दिखे ना, हालत तो तुसीं हालत तो तुसीं दिखी भी लई 10 साल दिखी हालत, और इहदे बाद हालत के दिखनी है जी जी, उनका क्या होएगा जिहड़ा आखदे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, अब पता क्या ओ चक्कर पे ये हूं पता क्यों ना, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, समझ इंडियन नेशनल कांग्रेस जी भाजी कोई चेहरा ना, एक है चौधरी लाल सिंह, दूसरा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कोई लगा टक्कर हो चुकी है, जो लोगों की ख्वाहिश है उसके कने टक्कर नहीं है, अपनी लोग अपनी ख्वाहिश आपू मारन गए फिर टक्कर हो सकती, लेकिन हले कोई टक्कर नहीं, जिन्हें लोगों कुछ गल् मैं बोली नहीं चाहती हाँ कि टिकट नहीं चढ़ी पैरों पर।
Thank you.
करते हुए क्या
लगता है डोगरा अब जागरूक हो चुका है, डोगरे अब एक साथ हो चुके हैं, कहीं ना कहीं डोगरे अब मन बना लिया है कि बदलाव जरूरी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे हैं, खास करके जम्मू की, ये यहाँ पर पहुंचे हुए और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी है भव्य स्वागत की। यहाँ पर कह रहे हैं कि शेर आया, शेर आया। कोशिश करेंगे इस जन सैलाब में जो भी जी से बात करने की, क्योंकि हैं बात हो ना हो ये पूरी तरह तय नहीं, क्योंकि काफी जन सैलाब बढ़ा हुआ है। देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं दोनों, और आप देखिएगा अगर चौधरी
लाल सिंह पहुंचे वहां की गाड़ी में, चौधरी लाल सिंह आते हुए और पूरी तरह से पुलिस यानी कि पूरी सुरक्षा बलों का इंतजाम है कि वह
करता है, मैं पॉलिसी मेकिंग की बात करता हूँ। ये कह रहे हैं पहले भी जब ईडी से बाहर आए थे तभी कहा था रमन बल्ला जी तरनजीत सिंह सोनी वो इस समय चौधरी लाल सिंह जी वो सामने आप देख रहे हैं काफिले में चौधरी लाल सिंह जी का काफिला
ਹੈ।